नमस्कार, स्वागत है आपका महापौर ई अधिवेशन में। और हमारे साथ अब जो खास मेहमान होंगी वो है कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे जी, जिनकी पहचान सिर्फ महापौर नहीं है बल्कि उसके साथ साथ कानपुर उनको एक मां के तौर पर स्वीकार करता है। प्रमिला जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर इस ई अधिवेशन में। जी, सर्वप्रथम मैं आपको नमस्कार करती हूँ जी। कोरोना के कार्यकाल में जैसा कि आपने कहा कि लोग मुझे माँ कहते हैं, तो मैंने माँ के भूमिका निभाई जी। पूरे जो 15 दिन का कार्यकाल था, जो 15 अप्रैल से लेकर के 30 मई तक, ये कार्यकाल में मैं आपसे बता दूं, मैं 24 घंटे में 2 घंटे या 3 घंटे सोती थी। मैं हमेशा किसको कहाँ भर्ती कराना है, कौन सी दवा चाहिए, कहाँ करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, मैं भाग दौड़ करती रही, लोगों को अपनी सेवा करती रही। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगी कि अपने प्रदेश के लोकप्रिय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं भगवान, जिन्होंने इसको बहुत जल्दी कवर कर लिया। और जरा सी मेरे बात करने पर उन्होंने हमको तीसरी जो लहर आएगी, ये चिंता मुझे थी कि वो बच्चों की है। अभी थोड़े दिन पहले शहर में आए थे तो मैंने उनसे कहा कि चाचा नेहरू बच्चों के अस्पताल उसको चालू कर दिया जाए। उन्होंने तत्काल अपने तुरंत आदेश किया कि 50 बेड का अस्पताल तुरंत बच्चों का शुरू हो, वो 15 अगस्त तक शुरू करने का एकदम हमने मन बना लिया है। L2 L3 अस्पतालों की सुविधा भी उसमें की जाएगी, ऑक्सीजन सब पूरा लैस होता हुआ हमारा वो अस्पताल होगा। अब मैं आपको बता दूं कि पूरे मैं 15 दिन ऑक्सीजन कहाँ कैसे पहुंचाना है, दवा कैसे पहुंचाए, जो लोग अपने घरों में थे उनको दवा किट पहुंचाना, तमाम ऐसे काम जिनके यहाँ पता चला 4 लोग हैं, 4 लोग बीमार हैं, उनके यहाँ खाना पहुंचाना। तो जैसा कि आपने शुरू में कहा कि लोग मुझे माँ कहते थे, तो मैंने माँ का एकदम रोल निभाया। और मैं आपको बता दूं कि मैं पूरे मेडिकल मेडिकल दवा की दुकानें थी वहाँ भी जा करके, जिससे किसी को दवा जगह ज्यादा दाम में बिक रही तो उसमें भी मैंने छापेमारी की। तमाम ऐसा कार्य मैंने पूरे इस कार्यकाल में किया। सबसे बड़ा काम जो हमने किया, 20,000 घरों को मैं सेंट्रलाइजेशन कराया। आज भी अगर कोई हमें फोन कर रहा है तो उसका मकान उसका घर हम तुरंत उसके दवा का छिड़काव करा देते हैं। और प्लस मैं सफाई पर अपना ज्यादा फोकस मारती हूँ, क्योंकि गंदगी ही बीमारी का समझिए कि एक स्वरूप है। इसलिए मैं सफाई, अब तो मैं रात में भी सफाई क्या कहती हूँ मैं कराती रहती हूँ। और मैं आपको बता दी, मैं खुद अस्पतालों का हमेशा निरीक्षण करती रही। मैं चलिए, कुछ तकनीकी खामी, संपर्क अभी नहीं है, लेकिन प्रमिला जी हमारे साथ हैं। और जैसा उन्होंने देखिए एक मां के तौर पर अपने तमाम लोगों के लिए उन तमाम जरूरतों में खड़ा होने की बात कही कि जो जरूरत थी तो हम वहां पर खड़े थे, अगर कोई हमें मां के तौर पर महापौर के तौर पर देखता है तो हमारी जिम्मेदारी फिर और बढ़ जाती है। और उन्होंने खुद बताया कि मुख्यमंत्री से उन्होंने जब आग्रह किया तो उसके पहले ही कि थर्ड वेव की अभी आशंका है, लेकिन उसी बीच में वहां पर चाचा नेहरू अस्पताल को खोल दिया गया ताकि कम से कम भविष्य में अगर कोई शंका होती है, अगर स्थिति ऐसी आती है तो हमारी तैयारी में कोई कमी ना रहे। प्रमिला जी, आवाज आपकी कट गई थी, लेकिन एक बार फिर से मैं सवाल पूछ रहा हूं अब आपसे। प्रमिला जी, सवाल इस बात का था जैसा मैंने भी कहा, और ये माँ ही चिंता कर सकती है भविष्य के लिए बच्चे के लिए, बिना उसकी तकलीफ के वो चिंता कर लेती है। इस वक्त क्या स्थिति थी, किस तरीके की समस्याएं यहाँ पर आप लोगों ने फेस किया कानपुर में, जो कि प्रदेश में अचानक से स्थिति खराब हो गई थी पूरे देश में सेकेंड वेव में। जी देखिए, ये महामारी जो आई एक बैग आई, लेकिन इसको जितने जल्दी कवर किया गया, इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अब हमारे यहाँ शहर में हम जितने हमारे कार्यकर्ता छोटे से बड़े थे, हम लोग रात दिन मेहनत किया, यहाँ के अधिकारियों ने भी बहुत मेहनत की, खास तौर के हमारा नगर निगम परिवार लोगों की बड़ी सेवा की, इसलिए भी मैं अपने नगर निगम परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।
आओ मैं आपसे वो बताऊं, क्योंकि आपने तो पहले ही कह दिया ना कि आप महापौर के साथ साथ एक माँ हैं। माँ का जो रोल होता है वो हमने पूरे शहर के लिए क्या कहते हैं निभाया निभाया। देखिए जो है सच उससे बोलना चाहिए। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठी हुई हैं, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी एक परिवार में माँ की होती है, और आपके लिए तो पूरा शहर या फिर वो इलाके भी जो कि ग्रामीण अंचल से भी निगम में शामिल हुए, उन सबकी जिम्मेदारी आप पर है। तो उस बात को भी यहाँ पर कहना जरूरी है, क्योंकि जो असल सच है वो सत्य सामने आना चाहिए। सवाल इस बात का है प्रमिला जी कि पूरा प्रदेश जूझ रहा था, मुख्यमंत्री खुद संक्रमित हो गए, उसके बाद भी वो लगातार सक्रिय रहे, और जैसे ही रिपोर्ट नेगेटिव आई वो हर जिलों का दौरा करना शुरू कर चुके थे और लगातार अभी भी वो कर रहे हैं। उस बीच में अगर हम कानपुर की स्थिति को देखें, थोड़ी दूर पर राजधानी लखनऊ खुद है, वहाँ की हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी और उसकी चर्चा पॉजिटिव नेगेटिव कई एंगल से अलग अलग जगहों पर की गई, पूरी दुनिया के सामने वो तस्वीर आई। कानपुर में भी कई तरह की ऐसी घटनाएं हुई, कितना वाकई मुश्किल रहा उस दौर में, क्योंकि लगातार आप लोगों के पास शिकायतें, लगातार आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट्स आ रही होंगी, लोगों के बीच में चीख पुकार मची हुई थी, एकदम हृदय विदारक एक तरीके से माहौल था। देखिए हमने आप पहले भी बताया था कि ये जो महामारी आई इसके लिए कभी किसी ने सोचा नहीं था किस तरीके से बीमारी आएगी, लेकिन संकट में कभी घबराना नहीं चाहिए ये बात लेते हुए हम लोगों ने उसको डट के मुकाबला किया। मैं आपको बताऊं, मुझे भी कोरोना हुआ, 5 दिन बाद नेगेटिव आ गई, मैं काम करना चालू कर दिया। और अब मैं अगला जो लोग बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली, इसके लिए हम पूरे शहर में एक एक घर अपने पर्दों के माध्यम से कि टीका लगवाइए, यही सबसे बड़ा दवा होगी, आप जीवन रक्षक टीका आप लगवाइए। और सबको हम कह रहे हैं कि टीका लगवाइए, और अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये भी मैं सबसे प्रार्थना कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ भीड़ भाड़ एरिया में मत जाइए, जब भी जाइए तो आप दो गज की दूरी रखिए, मास्क लगाइए, और अपने हाथ को बार बार धोइए। अब कहीं से आइए तो निश्चित तौर पर गर्म पानी से नहाइए, गर्म पानी पीजिए, और आप एकदम तली भुनी चीज मत खाइए, सादा भोजन करिए, और सुबह उठ करके थोड़ा व्यायाम करिए, थोड़ा सा दौड़ लगाइए। निश्चित तौर पर इस बीमारी का यही एक इलाज है। डरिए मत, कभी डरना नहीं चाहिए। हमें याद है कि वो गिलहरी वाली कहानी आज भी याद है, कबूतर वाली, कि जब जाल में सब फंस गए बहेलिया के, दोनों का घबराने से काम नहीं होगा, सब एक साथ उठे और जा करके पूरे जाल समेत सारे कबूतर उड़ गए। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें मेहनत से हिम्मत से लड़ने की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने, तो बड़ी से बड़ी लड़ाई को आप हिम्मत से ही लड़ सकते हैं। आपने जैसा खुद कहा कि आप भी संक्रमित हुई और उसके बाद जल्दी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन उस बीच में भी आप काम करती रही और उसके साथ साथ शहर का ख्याल भी रखती रही। अगर कानपुर को हम देखें प्रमिला जी, इसके पहले फर्स्ट वेव में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, कई जगहों पर समस्याएं आई थी, खाना पीना देना, दवाइयां पहुंचाना, राशन जो कि सरकार की तरफ से वितरित किया जाना था निगम के जरिए वो सब भी कराया गया, उसके साथ साथ अपने तमाम वर्कर्स का भी, फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी अपना आप लोगों ने ख्याल रखा। इस बार की चुनौती दूसरी थी, सिर्फ राशन पहुंचाना नहीं था, इस बार जान बचाना पहले प्राथमिकता थी। लोग घरों में कैद थे या कुछ बाहर थे, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग बाहर थे, युवा वर्ग बाहर था और वो इससे संक्रमित हुआ, तो आप लोगों को इसमें अपना रोडमैप भी बदलना पड़ा होगा, क्योंकि इस बार की जरूरतें कुछ अलग थीं और बहुत आकस्मिक थीं। कितना ज्यादा उसमें आपके लिए खुद मुश्किल आई और उसको आपने कैसे सरकार तक पहुंचाया, सरकार से कैसे त्वरित लाभ पहुंचाया, वो ऑक्सीजन की बात हो, वो रेमडेसिविर दवाओं की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, वहां पर ऑक्सीमीटर के साथ साथ तमाम अन्य जरूरतें थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था। नहीं ये बात तो ठीक है, ये एक दिन का दो दिन का ये मामला था, उसके बाद सब सेटल हो गया। तो जहां यहाँ आज मैं फिर कहूंगी कि ये हमारा इतना बड़ा देश और देश का सबसे बड़ा ये हमारा क्या कहते हैं प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री हमारे भगवान हैं, जिन्होंने इतनी जल्दी कवर किया, शायद ही पूरे देश में कोई ऐसा प्रदेश होगा जो इतने जल्दी कवर हुआ। आपको मैं बता दूं, कल का है 427 लोग हमारे
यहाँ मरीज हैं और हमारे ख्याल से 17 या 18 मरीज और आए हैं। हम क्या कहते हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ सब मामला शांत हो गया। ये उनकी देन थी श्रद्धे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, जिन्होंने कड़ी मेहनत से हमारे यहाँ हमारे बच्चों को, हमारे बहनों को, हमारी बहुओं को, हमारे बेटियों को बचाया। मैं उनकी घोर घोर बहुत बहुत प्रशंसा करूं तो कम है। इसीलिए कहा जाता है कि सन्यासी जो होता है वो भगवान का स्वरूप होता है, तो मुख्यमंत्री जी भगवान है। मैं तो उनको जब आते तब मैं भगवान कहती हूँ। आज ही देखिए मेरा उनके साथ था, मैंने उनसे कहा भगवान सिर्फ आपका ही आपका ही आशीर्वाद से मुझे कोरोना हुआ, जबकि मैं 60 साल की हूँ भी, मुझे कुछ नहीं हुआ, वो आशीर्वाद आप करा। आपने जो बोला कि सब लोग मजबूती से क्या कहते हैं, डरिए नहीं, निडर होकर काम करिए, तो उस तरीके से हमने काम किया, लोगों ने काम किया, पूरी हमारी पूरी पार्टी खड़ी रही, एक 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 मरीज के लिए मेरी पार्टी खड़ी रही। इसलिए भी मैं अपने सबको तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। एक बार पुनः मैं आपको पता है पूरे विश्व में ये महामारी आई, कोई मेरा ये देश भारत नहीं था वहाँ आई, लेकिन जितने जल्दी हमारे भारत देश में इस देश के कुशल प्रधानमंत्री ने कवर किया, ये पूरे विश्व में कोई नहीं। इतना वैज्ञानिक देश हो, क्या कहते हैं अमेरिका है, तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने नहीं किया, जिसको इस देश के प्रधानमंत्री ने एकदम ठीक किया। ऐसे दोनों महापुरुषों को हम लोग बहुत, भारत उनका ऋणी रहेगा जिन्होंने सबकी जान बचाई। आगे भी और आगे भी आने वाले समय के लिए अभी से हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री ने, सॉरी प्रदेश देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कमर खींच ली है। हम लोग अभी से आगे, भगवान ने करे अब ऐसा दिन देखना पड़े, बिल्कुल तैयारी हमें अभी से करनी है। और आपने तो जैसा बताया कि आपने खुद ही आप अपनी तरफ से ख्वाहिश जाहिर की थी, मांग की थी, तो मुख्यमंत्री ने उस अस्पताल को ओपन भी कराने के निर्देश फौरन कर दिया। लेकिन इस बीच में एक राजनीतिक सवाल, प्रमिला जी सक्रिय राजनीति में रहते हुए आप लोग तमाम तरह की चीजों को सुनते होंगे, आपकी तरफ से आरोप लगते होंगे, उनकी तरफ से आरोप लगते होंगे। आप कह रही हैं कि बहुत अच्छा काम देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ने किया, अपने स्तर पर आपने कानपुर में किया। विपक्ष कहता है कि इस बार जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, इसको कैसे देख रही है और इसमें कितना ज्यादा भ्रम फैलाया गया या सही बात कही गई है, क्योंकि विपक्ष का भी अधिकार है लोकतंत्र में। देखिए लोकतंत्र में सबको कहने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष का तो कहने का अधिकार है, उनको तो कभी उन्होंने तो कुछ किया नहीं, तो उनको कहना था। जैसे जब टीका आया तो लोगों ने कहा ये मोदी टीका है, ठीक है, जिन्होंने कहा मोदी टीका है वही टीका लगवा रहे हैं। अगर यही टीका वो जनवरी से सब लोगों ने लगवा लिया होता तो शायद थोड़ा कुछ और बात होती। बिल्कुल, अब लोग टीका लगवा रहे, हमारे प्रधानमंत्री, फिर मैं कह रही हूँ विपक्षी का काम है कहना, टीका तो सबने जितने लोगों ने कहा सबने टीका लगवाया, तो टीका तो पहले लगवाना चाहिए। देखिए जब कोई आपत्ति आए, विपत्ति आए, तो विपक्षियों को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कौन ऐसी पार्टी, चाहे सपा चाहे बसपा चाहे कांग्रेस, कौन ऐसा नेता था जो बाहर निकला, सब एकदम अपने अपने घरों में घुसे रहे, कोई नहीं निकले। तो जनता तो सबकी है ना, जनता सब जानती है ना भैया, कोई नहीं निकला। कोई एक नेता की आप बात बता दीजिए कि जो मैदान में रहा और लोगों की सेवा की। तो विपक्ष को देखिए ये आपत्ति था, ये तो किसी भी टाइम हो सकता। आज के 100 साल पहले वो आता था, प्लेग आता था और चेचक निकलते थे तो गांव के गांव साफ हो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से कभी भी विपक्ष जो है इस तरीके से बात नहीं की। जिस तरीके से विपक्ष है, इस तरीके से आज भी वो भड़काते रहते टीका मत लगवाइयो। लेकिन मैं सबको समझाती हूँ कि उनको मत, उनकी बात मत सुनो, आप टीका लगवाइए, दवा अपना सुरक्षित रहिए घर में, अपने को सुरक्षित करिए, परिवार, ये प्राण रक्षक टीका है, इसको लगवाइए, अपनों सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए, ये मेरा कहना है। और विपक्षियों को भी बताना है कि वो एकदम स्वच्छ मन से बात करें, कटुता बात मत करें किसी को, वो ऐसा कर रहे हैं। प्रमिला जी जब विपक्ष का मैं जिक्र कर रहा हूं तो कानपुर से ही मैं फिर से एक बार सवाल एक और खड़ा करता हूं। एक मूल मंत्र है जो सबके लिए है, हर एक इंसान के लिए है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। राजनीति खैर उस पर भी हुई कि चुनाव में नेता नहीं लगाते हैं, तमाम तरह की बातें। वहां से एक विधायक है, आपको भी उस वाक्य से आप अवगत होंगी, वो पुलिस से भिड़ गए,
कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा और जिसका चालान कट रहा था उसको छुड़ाने पहुंच गए, ऐसे लोगों का क्या? जनप्रतिनिधि होते हुए भी अगर वो जागरूकता नहीं फैलाते या फिर गलत लोगों का साथ दे रहे हैं तो किसको बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, जो ऐसा करें उनके, हमको लगता है कि उनके पास अकल नहीं है। अगर उनके पास अकल होती तो ये बात न करते। वो ये चाह रहे, वो सोच रहे हैं ना कि ऐसी बातें, अफवाहें फैलाकर लोग टीका न लगवाएं, लोग मास्क न लगाएं और इस महामारी में घिर जाएं। लेकिन अब क्या बताएं, उनको अकल होनी चाहिए, उनके पास अकल नहीं है। प्रमिला जी, अब वैक्सीनेशन को लेकर आपने अपील भी पहले ही कर दी है, मैं सवाल भी ले रहा हूं, क्या कोई दिक्कत आ रही है इसमें? क्योंकि अलग अलग राज्य अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, केंद्र से डिमांड कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो डिमांड थी केंद्र की तरफ से उसको दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी संकट है टीके का। लेकिन जो जिस एज के लोग एलिजिबल हैं उनको कम से कम मिल पाए टीका सुनिश्चित करना अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी है, केंद्र की तरफ से, फिर राज्य की तरफ से, और राज्य के अंदर आप जैसे लोग जो कि अलग अलग जगहों पर उन तमाम लोगों को कनेक्ट करते हैं सरकार से। तो क्या कानपुर में समस्याएं नहीं है टीके को लेकर? आसानी से उपलब्धता है और लोग भी जागरूक हैं, कहीं कोई समस्या उनकी जागरूकता को लेकर नहीं आ रही है? कहीं कोई जो भैया कोई भी परेशानी नहीं आ रही। टीका इतना है कि आप देखिएगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमको लगता है 2-2.5 महीने के अंदर एक एक लोग टीका लगवा लेंगे। आप देख लीजिए, कहीं कोई किसी चीज की, मोदी जी के राज में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, एकदम आप देख लीजिएगा 2 महीने के अंदर सब लोग टीका लगवा लेंगे। खैर, 2 महीने का शायद मुझे लगता है बहुत कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका ये विश्वास है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है तो केंद्र सरकार की और भी ज्यादा, जब यहां से भेजा जाएगा टीका केंद्र की तरफ से तो राज्यों को भी लाभ मिलेगा, उत्तर प्रदेश भी उसमें होगा, उत्तर प्रदेश का कानपुर भी होगा। कानपुर औद्योगिक सिटी है, औद्योगिक नगरी मानी जाती है और वहां पर उद्योगों को भी लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं। इस दौर में उस पर भी प्रभाव पड़ा है, जो कामगार हैं उनको फिर से काम करने का मौका तो मिला लॉकडाउन खुलने के बाद, लेकिन फिर से चुनौती खड़ी हो गई। निगम की भूमिका उनके लिए क्या रही? उसके साथ साथ निगम के द्वारा संचालित अस्पताल जो हैं या फिर आपके खुद सफाई कर्मी, आपके सहकर्मी जो हैं इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, उनका सहयोग जो मिलता है, उन लोगों की भी चिंता आप लोगों को थी और उनकी भी जिम्मेदारी थी? देखिए, हमारे नगर निगम के जो सफाई योद्धा थे उनकी मुझे 24 घंटे चिंता थी। अब कोरोना से जरा मुझे राहत जब मिल जाएगी तो मैं सब अपने उनके स्वागत करूंगी। ये हमारा औद्योगिक नगरी है और ये तो आपदा था लोगों को घर में रहने के लिए, तो जब जान रहेगी तो जहान रहेगा भैया। जब अब देख लीजिएगा जो भी कुछ होगा, लोग सुरक्षित रहेंगे, घर में रहेंगे, सब कुछ आता रहेगा जाता रहेगा, लोग काम करते रहेंगे और अपने जीवन को बचाएंगे तो वही लोग सुरक्षित रहे। इसे वर्चुअली आप लोगों की, आप लोग आपस में कनेक्ट हुए, संवाद हुआ, तमाम अन्य लोगों से भी वो संवाद कर रहे थे, आपकी तरफ से कोई खास डिमांड रखी गई या कुछ खास मांग की गई है या अपनी तरफ से जो कानपुर में आप लोगों ने कोशिश की है सरकार के सहयोग से वो जानकारी उनसे साझा की? मैंने उन्होंने मेरे से पूछा कि जो आप कूड़ा उठवाते हो उसको क्या करते हो। हमने बताया मेरा पनकी में प्लांट है, मैं वहाँ पे वहीं पर सारे डोर टू डोर कूड़े उठवाकर वहाँ भिजवा देती हूँ और वहीं उसका निस्तारण होता है। नाले की सफाई मेरे यहाँ हो रही है। हमें लगता है कि ये 2 महीना जो कोरोना के नाते थोड़ा लेट हो गया, लेकिन निश्चित तौर पर बरसात से पहले हो जाएगी। उन्होंने पूछा सफाई, उनसे मैंने बताया पूरी सफाई हो रही है। उन्होंने मेरे काम को लिए, उन्होंने मेरी प्रशंसा, उन्होंने बोला कि तुम अपने स्वास्थ्य की चिंता करना। हमने कहा भगवान आपके आशीर्वाद से मुझे कोरोना आया गया, मैं बिल्कुल निरंतर कार्य कर रही हूँ। उन्होंने कहा मुझे पता, आज मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने मुझको बोला कि आप काम कर रही हो, उनके जानकारी में है और मैं इस तरीके से निरंतर कार्य करती रहूंगी। आज उन्होंने जो और मैं तो उनकी ऋणी हूँ क्योंकि आज 25 साल पुराना मेरा जो अस्पताल है उसको चालू हो जाएगा। तो ये सब जो भी, लेकिन मैं जब से महापौर हूँ जब भी मैं कभी जाती हूँ तो भगवान के पास जो भी मैं अपनी फरियाद लेकर जाती निश्चित तौर पर भगवान उसको पूरा करते हैं। ठीक है, एक आखिरी संदेश कोई अपने कानपुर वासियों को देना चाहेंगे?
बस मैं इंडिया न्यूज के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। साथ अपने नगर वासियों से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी कि कोई काम हो तभी घर से निकलें, घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, काम हो फिर बाहर जाएं, बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, कभी भी भीड़ भाड़ में न जाएं कि किसी जगह इसी जगह न जाएं। मेरी उनसे अपील है और अपने घर के सब लोगों को टीकाकरण जरूर कराएं, निश्चित कराएं और सुरक्षित रहें, मैं मेरा उनसे यही कहना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रमिला पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुल्तानपुर की महामौर प्रमिला पांडे का कहना था कि वो खुद भी कोरोना से संक्रमित हुई, बहुत जज्बे के साथ जल्द उन्होंने इस लड़ाई को जीता, लेकिन कानपुर के लोग जो कि उनको सिर्फ महापौर के तौर पर नहीं बल्कि उनको एक मां के तौर पर स्वीकार करते हैं, उन्होंने वो जिम्मेदारी भी निभाई क्योंकि उनकी वो संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है, लेकिन साथ में मूल मंत्र सबके लिए है और वो मंत्र सभी समाज के लोग अगर अपनाएं तो सबके लिए कर राहत होगी, क्योंकि आगे भी लड़ाई लंबी है, तैयारी हमें और करनी है। एक छोटा सा ब्रेक, आते हैं।